आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, रब्त करें 9390610436 पर। सुल्तानुल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद। एडमिशंस आर इन प्रोग्रेस फॉर एमपीसी, बाईपीसी, सीईसी, एमईसी, एमसेट एंड नीट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2005। अफोर्डेबल फीस, स्पेशियस क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइजीनिक, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। सुल्तानुल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए 13 जून की देखते हैं स्पीड न्यूज़। 7 माह बाद पहली मरतबा शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को मस्जिद अल हराम में नमाज फज्र अदा करने की मिली इजाज़त। रज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की भी दे दी गई इजाज़त। मस्जिद अल हरम में बाब शाह अब्दुल अज़ीज़ के बुलंद व बाला मीनारों पर 2 खूबसूरत गोल्डन हिलाल इंस्टॉल, ये दोनों मीनारों के ऊपर किए गए निस्ब। फ़िलिस्तीनी वज़ीर आज़म का मस्जिद अक्सा को तकसीम करने के इसराइली मंसूबे से मुतालिक इंतबाह, कहा मस्जिद अक्सा को तकसीम करना बड़े पैमाने पर इश्तियाल का बनेगा बायस। मस्जिद अक्सा को तकसीम करने का सयूनी मकरू मंसूबा, बैतुल मुक़द्दस की मुकामी सरकर्दा शख्सियात ने ज़िलहज के पहले 10 दिनों में मस्जिद अक्सा में एतिकाफ़ का किया मुतालबा। स्वीडन में कुरान मजीद जलाने वालों के हक़ में स्वीडन की कोर्ट का मुतनाज़ा फ़ैसला, कुरान नजर आतिश करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को बताया नाजायज़। ईरान में ख़वातीन पर लाजमी ड्रेस कोड को लेकर पहले से ही मुल्क भर में मुजाहरे, इसी दरमियान ईरान में अब हिजाब ना पहना तो कार कर ली जाएगी जब्त। यूक्रेन पर बढ़ गए रूसी हमले, रात देर गए हुए रूसी हमलों में 1 इमारत तबाह, 3 अफराद हलाक, 25 से ज़ायद हुए ज़ख्मी। अफ्रीकी मुल्क कांगो में नकल मकानी करने वाले अफराद के कैंप पर नामालूम हमलावरों ने कर दी फायरिंग, लोगों को घरों में ही जला दिया, हमले में 45 अफराद हलाक। फ्रांसीसी दारुलहुकूमत पेरिस से मुंसलिक ऑल डी फ्रांस इलाके में शदीद बारिश का कहर, सैलाबी सूरत हाल, सड़कें और गलियां ज़ेर-ए-आब, कई दुकानों को पहुंचा शदीद नुकसान। गुज़िश्ता दिनों कोविन पोर्टल के जरिए कोविड वैक्सीनेशन से मुस्तफिद अफराद का डेटा लीक होने की खबरें, हुकूमत ने की तरदीद, डेटा लीक के दावे को बताया बेबुनियाद, पोर्टल मुकम्मल तौर पर महफूज। तूफान बेपर जॉय को लेकर पीएम मोदी की आला सतह मीटिंग, 15 जून को तूफान के गुजरात पहुंचने का इम्कान, महफूज मुकामात पर पहुंचाए गए 7,000 अफराद। ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने मोदी सरकार पर लगाया संगीन इल्जाम, कहा किसान आंदोलन के वक्त दी गई थी धमकी, हुकूमत हिंद ने बताया सफेद झूठ। जैक डोर्सी के इल्जामात को हुकूमत ने बताया झूठ, कपिल सिब्बल की हुकूमत पर तनकीद, कहा जैक ना बीजेपी के ना ही हुकूमत के खिलाफ, तो आखिर वो क्यों बोलेंगे झूठ। दारुल हुकूमत दिल्ली एनसीआर और शुमाली हिंद के इलाकों में आए जलजले के झटके, 5.4 शिद्दत के जलजले से आवाम हुई खौफजदा। हिंदुस्तान में मुस्लिम महफूज है, ऐसा बोलने वाले भागवत कौन है, आरएसएस चीफ के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्देअमल, कहा मुगलों से हमारा क्या रिश्ता। बीजेपी खुद चलाती है फैमिली पार्टी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, साथ ही कहा बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला जबकि बीजेपी को मार पड़ी। भाजपा के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी की कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर जमकर तनकीद, कहा मोदी जी लीडर बाय चॉइस है जबकि राहुल गांधी लीडर बाय चांस। मध्य प्रदेश के सतपुरा भवन में लगी आग, कांग्रेस की शिवराज सिंह हुकूमत पर तनकीद, हुकूमत पर आयद किया बदउनवानी के दस्तावेजात जलाने का इल्ज़ाम। बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो और ऊबर को लगा बड़ा झटका, दिल्ली में बाइक को ऐप के जरिए बुकिंग करके किराए पर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी पाबंदी। गुज़िश्ता 1.5 माह से तशद्दुद की आग में जल रहा मणिपुर, तशद्दुद में अब तक 100 से ज्यादा अफराद की हलाकत, वायलेंस में दर्जनों चर्चों को जलाकर कर दिया गया राख।
धरानी पोर्टल की मुखालिफत करने वालों को सबक सिखाने सीएम केसीआर ने की आवाम से अपील। इल्ज़ाम लगाया धरानी के बर्खास्ती से ब्रोकर्स की वापसी की चलाई जा रही मुहिम। हैदराबाद में 15 जून से G20 वज़राए ज़राअत का इजलास। इजलासों में 29 ममालिक होंगे शरीक। किशन रेड्डी ने कहा किए जा रहे वसी तर इंतजाम। तेलंगाना में अंधेपन के खात्मे के लिए शुरू करदा आंखों की रोशनी स्कीम कंटी वेलुगु इख्तितामी मरहले में। अब तक 1,60,00,000 अफराद के हुए आई टेस्ट। इलेक्शन से पहले तेलंगाना बीजेपी में इख्तलाफात उरूज पर। इटला राजेंद्र की कारकर्दगी से दीगर सीनियर कायदीन नाराज। कौमी क्यादत को झूठी इतलात देने का लगा रहे इल्ज़ाम। हैदराबाद में सोने की कीमतों में कमी। 24 कैरेट सोना 61,600 रुपये जबकि प्योर चांदी 753 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक हैदराबाद। तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।